हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी और कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर सवाल किए हैं। कटारिया ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उनको लेकर साफ किया कि जो अब कांग्रेस घोषणाएं कर रही है उनमें से तो कई काम भाजपा कर चुकी है। इसके अलावा जो घोषणा पत्र कांग्रेस का है उसमें राजस्थान के एक भी नेता का नाम तक नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जवाब कौन होगा इसका भी उसमें उल्लेख नहीं है। इसके अलावा कटारिया ने यह भी कहा कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र पर अपने किस नेता का फोटो में असमंजस में है वह प्रदेश की जनता के लिए क्या जन घोषणा पत्र लेकर आएगी। कटारिया ने यहां पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले कांग्रेस यह तो बताए कि अब किसानों का कर्जा कितना बाकी है, क्योंकि भाजपा की प्रदेश सरकार ने तो पहले ही कर्जा माफ करने की घोषणा कर चुकी है और कर्जा माफ भी किया जा चुका है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।